अमेरिका में हो रही एक बड़ी मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाह है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। कैलिफोर्निया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट हो रहा है। एपेक एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है जिसके 21 सदस्य देश हैं। 1989 में बने इस मंच का मकसद एशियाई प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। इसी समिट के साइडलाइंस में अमेरिका चीन शिखर वार्ता होने जा रही है। बाइडेन शी की यह मुलाकात कई मायनों में बहुत अहम है, खासतौर पर तब जब अमेरिका और चीन के रिश्ते एक दूसरे को भारी शक और अविश्वास से देखते हों और दोनों देशों के संबंध जो हैं वो बेहद तनाव भरे दौर से गुजर रहे हों। हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों देशों ने जो क्लाइमेट चेंज से लेकर और मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन जो था उस तक को बंद कर दिया। इस मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस की तरफ से जो एक बयान जारी किया गया है उसमें कम्युनिकेशन जो लाइन है उसको जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया गया है। खुद जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब इस बैठक के संभावित नतीजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम संबंधों में बेहतरी चाहते हैं, एक सामान्य संवाद स्थापित करना चाहते हैं ताकि किसी संकट के समय में फोन उठाकर एक दूसरे से बात कर सके। यानी जो पहली जरूरत है दोनों देशों के रिश्तों के बीच वो है एक सामान्य संवाद की, जो कि अभी नहीं हो रहा है। हमारी कोशिश होगी, उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी कोशिश होगी कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो है वो सीधा संवाद कायम हो और ये जो सेनाओं के बीच का संवाद हो काफी अहम है ताकि दोनों ही देश की जो सेना है किसी गलतफहमी की शिकार ना हो। जब संवादहीनता होती है तो इस तरह की गलतफहमियां होने के खतरे जो हैं वो ज्यादा होते हैं। वैसे समिट से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दे दिया है और कहा है कि राष्ट्रपति शी के नेतृत्व में चीन में असल समस्याएं हैं। हालांकि इसका क्या मतलब है उन्होंने ये समझाया नहीं रिपोर्टर के पूछने के बावजूद भी, लेकिन ये एक बयान है जो एक टोन सेट कर सकता है। अमेरिका और चीन के रिश्ते और उसकी जटिलताओं को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है जहां 17-18 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो 13-14 ट्रिलियन की है। बहुत ज्यादा पीछे चीन नहीं है और अमेरिका और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में भारी तल्खी है। दरअसल अमेरिका चीन के संबंध को जो कि पहले एक कोऑपरेशन पर आधारित था, उसके सिद्धांत पर आधारित था, वो बाद के सालों में कंपटीशन पर आ गया और फिर होते होते वो कंपटीशन भी जो है वो कन्फ्रंटेशन में बदल गया। अमेरिका को लगता है कि चीन अकेले दुनिया का जो सबसे बड़ी ताकत है वो बनना चाहता है और उसी हिसाब से वो अपनी आर्थिक और जो सैन्य शक्ति है वो बढ़ाने में जुटा है। और यही तल्खी जो है, जो इस तरह के भाव की वजह से जो तल्खी पैदा हुई है वही सामरिक क्षेत्र में भी नजर आती है। इंडो पैसिफिक में चीन के दबदबे की कोशिश के खिलाफ अमेरिका जो है वो लगातार रणनीतिक साझेदारियों में जुटा रहता है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप है क्वाड, चीन उसको शक की निगाह से देखता है और ये भी कहता है कि वो इस क्षेत्र का नेटो है। हालांकि भारत समेत तमाम देश इस बात से इनकार करते हैं और अमेरिका और चीन के बीच अविश्वास का आलम ऐसा है कि हमेशा आशंका इस बात की रहती है कि अगर दोनों देशों के बीच किसी तरह से कोई युद्ध भड़क जाए तो उसका बहुत भारी खामियाजा जो है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। बाइडेन शी मुलाकात में अमेरिका चीन व्यापार पर तो बात होगी ही, क्योंकि बहुत सारी जटिलताएं हैं, बहुत सारे जो शको सुबह हैं जिनको मिटाना है। ताइवान और दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। अमेरिका जहां वन चाइना पॉलिसी को मानने की बात करता है वहीं वह ताइवान के हितों की रक्षा के लिए भी खड़ा रहता है। ताइवान में अगले साल यानी कि जनवरी 2024 में चुनाव होना है। ताइवान में जिस तरह से अमेरिकी दखल रहती है, अमेरिका जिस तरह से उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है, उस वहां जो स्वायत्त सरकार है उसके हक की वो बात करता है, चीन को इस पर भारी आपत्ति रही है। अमेरिकी स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी थी उस समय, वो जब ताइवान के दौरे पर गई तो हम सब ने देखा कि चीन ने किस तरह से भारी उसका विरोध किया और ताइवान के आसपास उसने कई हफ्तों तक युद्धाभ्यास किया उसके विरोध में। तो ये तो एक मसला है ही, उसके अलावा तिब्बत को लेकर जो अमेरिकी नीति रही है चीन उसको भी शक की निगाह से देखता है। और इसके अलावा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का तो मुद्दा है ही, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो बातचीत में कहीं ना कहीं परिलक्षित होंगे। एक और अहम बात कि 2020 में चीन ने हांगकांग में जो एक कठोर राष्ट्रीय कानून वो जो लेकर आया,
उसको लेकर जो अमेरिका है, जो कोई खुद को लोकतंत्र का पुरोधा कहता है, उसको नागवार गुजरा, उससे तनाव जो है चीन और अमेरिका के बीच वो और ज्यादा बढ़ा। और कोरोना वायरस के समय की तो बात याद ही है कि जब चीन को जिम्मेदार ठहराया गया तो उसके बाद चीन नाराज हुआ। ट्रंप तो यहां तक नाराज हुए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि वो चीन की पक्षपात कर रहा, चीन की तरफदारी कर रहा है, और WHO से अमेरिका को अलग करने की बात का उन्होंने ऐलान तक कर दिया था। तो कुल मिलाकर चीन और अमेरिका के रिश्ते के कई पहलू हैं और हर पहलू में शको सुबह के जो बादल हैं वो भरे पड़े हैं। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, बाइडन फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चीन के साथ संबंध नहीं सुधरते हैं तो इसका आर्थिक खामियाजा जो है वो अमेरिकी जनता को भी भुगतना पड़ेगा, लिहाजा संबंध में सुधार जरूरी है, ये बात बाइडन भी अच्छी तरह से समझते हैं। चीन और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव तब और बढ़ना शुरू हो गया था जब ट्रंप के राष्ट्रपति रहते चीनी आयात पर भारी टैक्स लगाया गया। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने चीन को तानाशाह, अड़ियल, बौद्धिक संपदा का चोर आदि तक कहकर संबोधित किया और तल्खी जो है वो लगातार बढ़ती गई। और जब बाइडन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बनने के बाद चीन की जो तकनीकी क्षेत्र जो है, जो उनके उत्पाद हैं उन पर कई तरह के जो प्रतिबंध हैं वो लगा दिए, और जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया। 2020 में अमेरिकी हुआवे टेक्नोलॉजी कंपनी जो है और ZTE कॉरपोरेशन को अमेरिका ने अपने देश के लिए खतरा बता दिया, और ये चीन की दोनों कंपनियां ऐसी हैं जो दुनिया भर में अपनी 5G सेवाओं के लिए जानी जाती है। 2023 फरवरी में अमेरिका ने अपने क्षेत्र में उड़कर आए चीन के एक बैलून को मार गिराया। उसके मुताबिक ये अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जासूसी कर रहा था, जबकि चीन ने इसे एक मौसम संबंधी गुब्बारा बताया और जो अमेरिका ने उसको शूट डाउन किया, उसको गिरा दिया। अमेरिका के इस कदम को उसने अति प्रतिक्रियावादी बताया। अमेरिका और चीन के संबंध में भरोसे की जो भारी कमी है उसका एक बड़ा उदाहरण था। इसी साल मार्च में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंध बहाली की मध्यस्थता की है। पश्चिमी एशिया में चीन का जो बढ़ता असर है वो अमेरिका को पसंद नहीं, क्योंकि अमेरिका खुद इस क्षेत्र को अपने दबदबे में हमेशा उसने रखा है और वो नहीं चाहता कि उसका असर कहीं से कम हो। जो एक बात है यूक्रेन और रूस युद्ध की, तो चीन ने अब तक यूक्रेन पर जो रूस का जो हमला हुआ उसकी निंदा तक नहीं की है, बल्कि वो रूस का साथ देता नजर आता है, और अमेरिका को ये बात भी जो है नागवार गुजरता है। बाइडन और शी की पिछली मुलाकात जो है वो पिछले साल बाली में G20 के दौरान हुई थी, तब बाइडन ने चीन पर ताइवान के उत्पीड़न का आरोप लगाया था, और बदले में चीनी राष्ट्रपति ने ताइवान को पहली रेड लाइन बताया था और कहा था इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है किसी देश को, और पार करने पर ऑब्वियसली जो चीन है वो काफी नाराज होता है। तो दोनों देशों के बीच जो मुलाकात हुई वो तो उसमें बहुत ज्यादा नतीजा नहीं निकला, लेकिन अब जो मुलाकात हो रही है उसमें भरोसा बहाली की दिशा में किस हद तक बात हो पाती है, किस हद तक कदम उठाया जाता है, ये देखने की बात होगी, या फिर उल्टा तल्खी आ जाती है, निगाह इस बात पर भी बनी रहेगी। तो जो राष्ट्रपति बाइडन और जो राष्ट्रपति शी हैं उनकी मुलाकात पर निगाह बनी हुई है, हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे।